तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। इसके पहले हमने 10 नंबर तक करा दिया था। यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक को हम सॉल्व करवा रहे हैं। यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल की है, ये लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित प्रश्नों की है। यहाँ पर हम वृत्त का एरिया और परिमाप संबंधित प्रश्नों को करा रहे थे। 10 नंबर तक हो चुके थे, 11 नंबर देखते हैं। लिखा हुआ है 14 रुपया प्रति फुट की दर से एक वृत्ताकार खेत के गिर्द बाड़ बनाने की लागत 7700 रुपया है। इस वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए काफी लोग कमेंट आ रहे थे कि सर यूथ कंपटीशन की करवा दीजिए, तो हम यूथ की करवाएंगे। हम बोले थे करवा देंगे तो करवा देंगे, ठीक है। आप निश्चिंत रहिए, सारी क्वेश्चंस आपके हम यूथ कंपटीशन टाइम्स के कवर कर देंगे। देखिए इस सवाल को अच्छे समझ रहे होंगे, और लिखा हुआ है वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। वृत्त का मतलब इस तरीके से सर्कल होगा, और इसका एरिया क्या होता है? एरिया होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। तो जब भी वृत्त का क्षेत्रफल पूछेगा तो हमें रेडियस का पता होना बहुत जरूरी है। रेडियस याद दिया नहीं गया है तो देखो यहाँ पर जो आगे लिखा हुआ है ना लाइन पे, देखिए बाड़ बनाने की लागत कितनी दी गई है? 7700 रुपया। बाड़ बनाने की लागत कितनी दी गई है? 7700 रुपया दी गई है। ये टोटल रुपया है। और आगे देखिए लिखा हुआ है, पहले स्टार्टिंग में लिखा हुआ था 14 रुपये प्रति फुट की दर से, 14 रुपये लिखा है ना, एक फुट का है 14 रुपया। तो 7700 रुपए में ये मान के चलिए कि 7700 रुपए में कितने मतलब हमारे रुपए जो है प्रति फुट के हिसाब से खर्च हो जाएंगे, ठीक है ना। कुल मिला के ये होता है। तो 7700 रुपए टोटल हमने खर्च किया, और एक वर्ग फुट का जो आपका मतलब चार्ज है 14 रुपया, इससे आप भाग दे देंगे तो आप कितना आएगा? भाग दे लेंगे 14 × 5 = 70 होता है, 14 × 5 = 70 होता है 0। ये जो दोस्तों 550 आया है, ठीक है ना, ये जो 550 आपका आया है यही आपका क्या होगा? परिमाप हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा, परिमाप, ठीक है, ये परिमाप हो जाएगा। कई बार सवाल ऐसे आपके बनते हैं कि टोटल कास्ट दे देगा इतने रुपया है, अगर इसी सवाल में आगे ये लिख दिया होता 14 रुपया प्रति वर्ग फुट, अगर यहां वर्ग लगा दिया होता तो फिर ये आपका परिमाप ना निकल के फिर क्या निकलता? एरिया निकलता, क्योंकि एरिया की यूनिट हमारी होती है मीटर स्क्वायर। परिमाप तो सीधे हमारा प्रति फुट दिया गया, कोई इशू ही नहीं है, है ना। तो याद रखिएगा अगर वर्ग फुट कर देता तो फिर आपका एरिया निकलता। इस चीजों को आप समझना है ध्यान से, ठीक है। परिमाप हमने निकाल लिया, वैसे वृत्त का परिमाप क्या होता है? 2πr होता है। परिमाप कहिए या परिधि कहिए, सरकमफेरेंस, और यही हमारा 550 के बराबर है। यहां से हम आर निकाल लेंगे, ठीक है। आर निकाल लीजिए कितना आएगा, 2 × 22/7 इंटू आर बराबर आपका कितना आएगा? 550, ठीक है। इसके बाद काट सकते हैं, 11 × 2 = 22 होता है, 11 × 5 = 55 और 0, और यहाँ से काटेंगे तो 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, और यहाँ पर आप इसको भाग कर लेंगे 12.5, है ना, 12.5 आएगा यहाँ पे, और 12.5 × 7 होगा तो कितना आएगा? 87.5 आ जाएगा, ठीक है ना। यानी रेडियस हमको 87.5 पता चल गया है। क्या वृत्त का क्षेत्रफल नहीं निकाल पाएंगे? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 87.5, ठीक है ना। देखिए 12.5% की आप फ्रैक्शन वैल्यू पढ़ते थे ना, 1/8 होती है ना, ऐसे इसका निकालेंगे 87.5 का तो कितना आएगा आपका? ये तो ऐसे ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 87.5 है, रेडियस है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए ये फ्रैक्शन में अगर परसेंटेज में करते तब हमारा 3/8 होता है ना, तो इसको हम ऐसा करते हैं 87.5 है, रहने दीजिए 87.5 × 87.5 ऐसे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं कितना आएगा, कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। आंसर किस में आ रहा है? पाई आर स्क्वायर में आ रहा है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे ना, ठीक है ना, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा विकल्प नंबर ए होगा, ठीक है ना, कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। काट लीजिएगा 7 × 1 = 7, और यहाँ पर 1 बचेगा, 7 × 2 = 14, 3 आएगा 7 × 35, है ना, इसको गुणा वगैरह कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? ए नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप लगा लेंगे, उम्मीद है। अगला प्रश्न देखते हैं, सेकेंड नंबर, अगला नंबर देखते हैं, सेकेंड नंबर यानी 12 नंबर है। लिखा हुआ है एक वृत्त और एक वर्ग का कुल क्षेत्रफल 2611 वर्ग सेंटीमीटर है, और वृत्त का व्यास दिया गया है 42 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि और वर्ग के परिमाप का योग कितना होगा? ठीक है, देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले वृत्त और वर्ग का क्षेत्रफल, वृत्त क्या होता है? वृत्त आपका ये होता है और वर्ग आपका ये है, ठीक है ना, वर्ग है। इसका हम कहें एरिया क्या होगा, तो आप कहेंगे एरिया इसका पाई आर स्क्वायर होता है। इसकी अगर भुजा हमने ए मान लिया है तो इसका एरिया क्या होगा? ए स्क्वायर होगा।
और यही क्वेश्चन में दिया गया है, दोनों का क्षेत्रफल ही दिया गया है 2611। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। रेडियस यहाँ पर दिया गया है, रेडियस दिया गया है क्या? हाँ, वृत्त का व्यास दिया गया, व्यास यानी ये 42 है ये, तो रेडियस इसकी आधी हो जाएगी 21, यानी रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस हमारा 21 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर रख लीजिए 22/7, रेडियस रखेंगे 21 × 21 प्लस a² बराबर 2611। ठीक है, अब यहाँ पर कैंसिल कर लीजिए 7 × 21, और यहाँ पर कितना आएगा? यहाँ पर आप गुणा कर लीजिएगा, तो 22 × 3 = 66, 66 × 21 प्लस का a² बराबर आएगा 2611। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 21 × 66 × 21 करेंगे तो यहाँ पर कितना आपका आ जाएगा? 66 × 21 करेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, गुणा कर लीजिए कितना आएगा, यहाँ पर 66 और 2 × 12 = 13, कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, 6 × 2 = 8, और यहाँ पर 13/86 आएगा, 13/86 इधर माइनस कर देंगे, a² बराबर यहाँ पर 13/86 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो 11 में 6 गया 5, 10 में 8 गया 2, और यहाँ पर बचेगा हमारा कितना? 5 में 3 गया 2, यहाँ 1225, यानी a² बराबर आपका आ जाएगा 1225। ठीक है, ये चीज आप निकाल लेंगे, a² बराबर आप कितना आ जाएगा? 1225 आ जाएगा। ठीक है, ये आप निकाल लेंगे, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, इसका अगर हम निकालेंगे भुजा, तो a बराबर कितना आ जाएगा? 35। इसका वर्गमूल निकालेंगे ना, क्योंकि इधर स्क्वायर लगा हुआ है, इधर वर्गमूल का साइन लगेगा, तो ये हमारी भुजा हमको पता चल गई, भुजा हमको पता चल गई कितनी है? 35 सेंटीमीटर। अब प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, क्या पूछा गया था? पूछा क्या गया था? वृत्त की परिधि और वर्ग के परिमाप कहिए। अब वृत्त की परिधि क्या होती है? वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर होती है ना, तो 2 × 22/7 रखेंगे, आर आर हमको पता था 21 है, 21 यहाँ रखेंगे, 7 × 21, और यहाँ पर आएगा 22 × 2 = 44, 44 × 3 करेंगे, 3 × 2 = 12, 132 आएगा। ठीक है ना, ये हमारा वृत्त की परिधि आ गई। अब हमें वृत्त का वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप होता है 4a, तो 4a यानी 4 × a कितना आया है? a 35 आया है, तो 35 × 4 कितना होता है? 4 × 5 = 20, 4 × 3 = 12, और 2 कितना होता है? 14। आप इनको जोड़ लीजिए, बस सिंपल है और कुछ नहीं, 2 और 4 × 3 = 7, और यहाँ पर कितना है? 272। देखिए 272 है, 272 सेंटीमीटर, पहला ये ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है ना, तो उम्मीद है ये वाला प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल और यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल का एरिया मतलब दोनों का योगफल दिया था, यहाँ पर हम इस तरीके सॉल्व करेंगे और हम ए निकाल लेंगे, ए हमारा आ जाएगा यानी भुजा आ जाएगी, इसकी भुजा हमको पता चल गई। इसका परिमाप क्या होता है? 4a होता है ना, परिमाप क्या होता है? 4a होता है, और यहाँ पर आप निकालेंगे 40 आएगा। इसकी परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। देखिए फार्मूले बेस्ड सवाल होते हैं और इसी तरीके से आपको लगाना होगा। ठीक है, थोड़ा समय लगेगा, इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, अर्थमेटिक नहीं है, तो उसमें आपको बहुत सारी चीजें जो शॉर्टकट है, इसमें आपको इसी तरीके से लगाना होगा। चलो हम आगे देखते हैं, अगला प्रश्न नंबर लिखा हुआ है, दो वृत्तों की परिधि क्रमशः 88 मीटर और 220 मीटर है, बड़े वृत्त और छोटे वृत्त के क्षेत्रफल के बीच कितना अंतर है? देखिए यहाँ पर अंतर पूछा गया है, कोई दिक्कत नहीं है, दो वृत्तों की परिधि दी गई है, यहाँ पर 88 मीटर है और 222, इसका मतलब एक छोटा होगा और एक मान लेते हैं बड़ा होगा, है ना, इसकी परिधि समझ रहे हैं ना? परिधि क्या होती है? 2 पाई आर, ये 2 पाई आर मान लेते हैं, ये कितनी दी गई है परिधि? 88 मीटर है इसकी, है ना, ये वाले की, और इसकी परिधि कितनी दी गई है? इसकी मान लेते हैं बड़े वाले की, कैपिटल आर कर देते हैं, 2 पाई आर, है ना, और इसकी परिधि दी गई है 220 मीटर, 220 मीटर, है ना, इतना आप निकाल लेंगे। यहाँ पर पहले आर निकालिए, 2 × 22/7 × आर बराबर 88, 22 × 44 × 88 और आर बराबर आपका आ जाएगा 14। ठीक है ना, ये आपकी रेडियस आ गई। इधर निकाल लेंगे 2 × 22/7 और यहाँ पर रेडियस तो आपको निकालना ही है, और 220 आएगा, और यहाँ से कट गया 22 × 1 = 10, 2 × 5 = 10, और यहाँ पर R बराबर आपका 35 आ गया। ठीक है ना, ये आपने निकाल लिया। अब यहाँ पर पूछा क्या गया है? पूछा गया है कि उनके क्षेत्रफल के बीच अंतर क्या होगा? अंतर कैसे निकालते हैं? देखो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर आएगा, इसका एरिया की बात करेंगे तो पाई आर स्क्वायर आएगा। अंतर निकालना है तो बड़े वाले में से छोटा वाला घटाएंगे, याद रखिएगा, तो अंतर यानी पाई, दोनों में पाई कॉमन होगा, यहाँ आएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से कर लीजिएगा, पाई की वैल्यू रखिए 22/7, आर आर यहाँ पर देखिए 35 है, यहाँ पर 14 है, यानी 35 का स्क्वायर और माइनस का 14 स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला बना देगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी,
तो 35 14 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 4 9 और 3 1 4, ठीक है। और यहाँ पर माइनस करेंगे, 5 में 4 गया, 1 3 में गया, तो 21 आएगा, 7 7 49। और यहाँ पर आप कर लीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा आपका कितना आएगा, 7 2 14 और 154 गुणे 21, 154 गुणे 21 करेंगे, है ना, 154 गुणे 21 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 32 34 वर्ग मीटर। कितना आएगा, 32 34 वर्ग मीटर, ठीक है। देखिए कहाँ लिखा हुआ है, 32 34 कहीं लिखा हुआ है, और यहाँ पर आपका विकल्प नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना। विकल्प नंबर क्या होगा, डी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं, बस आपको परिधि के बारे में जानकारी होनी चाहिए, वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तभी लगा पाएंगे, अदरवाइज नहीं लगा पाएंगे। ये सारी चीजें आपको मालूम होगा तो आप फटाफट कैलकुलेशन है कर लेंगे। बाकी हम समझा रहे हैं, थोड़ा आपको डिटेल में लगा रहे हैं, बाकी आप एग्जाम में लगाएंगे थोड़ा सा शॉर्टकट, फटाफट लगा के खत्म कर देंगे, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 तो लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, यदि एक वृत्त तथा एक वर्ग के क्षेत्रफल क्या है, समान है, तो उनके परिमापों का अनुपात कितना होगा। देखो वृत्त और वर्ग के क्षेत्रफल क्या है, समान है, तो वृत्त का अगर हम आपसे कहेंगे कि क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप कहेंगे वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर होता है, और वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता है। अगर हमने वर्ग की भुजा ए माना है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, ए स्क्वायर होगा, ये दोनों आपस में बराबर है। तो थोड़ा सा देखिए, जब इस तरीके से दिया करें, और प्रश्न क्या पूछा गया, उनके परिमापों का अनुपात पूछा गया, परिमाप समझते हैं ना, इसका परिमाप होगा 2 पाई आर और इसका होगा 4 ए, इनका अनुपात पूछा गया, ठीक है ना, इनका अनुपात पूछा गया। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, और यहाँ पर देखो इसको ऐसे लिखो, आर स्क्वायर अपान ए स्क्वायर बराबर 1 अपान पाई, ये आपका आ जाएगा। और यहाँ से हम कहें आर अपान ए कितना आएगा, तो आप कहेंगे 1 अपान रूट पाई, ठीक है ना, 1 अपान रूट पाई, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। जब यहाँ पर देखो आर अपान ए इधर स्क्वायर आएगा, इधर हटेगा ना, इधर लग जाएगा, और 1 का रूट तो 1 ही रहेगा, रूट पाई तो वर्गमूल के अंदर रह जाएगा, इसका निकलेगा नहीं, इस तरीके से आप लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए रेशियो पूछा था ना, आर अपान ए की जगह रख देंगे 1 अपान रूट पाई, बस आपका आंसर आ जाएगा 2 पाई, और अपान 4 तो बचेगा ही, और आर अपान ए की जगह क्या रखेंगे, 1 अपान रूट पाई, ठीक है ना, रूट पाई, इस तरीके से कर लेंगे। अब देखो ये जो पाई आपका लिखा हुआ है ना, इस पाई को हम ऐसे भी लिख सकते थे, √π/√π लिख सकते हैं, ले सकते बताइए, क्योंकि √π/√π तो पाई होता है, अब पाई से √π कट जाएगा, और 2 एकम 2 2 दूनी 4, यानी यहाँ पर रेशियो हमारा बनेगा √π अनुपाते कितना आएगा। तो देखिए कहाँ लिखा हुआ है, √π अनुपाते 2 विकल्प नंबर आपका है, यहाँ पर आपका डी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना, विकल्प नंबर डी क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अगला सवाल देखते हैं, 15 नंबर, देखिए पूछा गया है, यदि वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी करने पर उसकी परिधि अपनी पूर्व परिधि से कितना गुना होगी। देखो वृत्त की त्रिज्या 3 गुना हो रही है, और उसकी परिधि पूर्व परिधि से कितना गुना होगी, देखिए जितने गुना कहेगा उतने गुना आंसर होगा, ठीक है। मान लो जी यहाँ 4 गुना कहता तो 4 हो जाता, 4 गुना, 5 गुना कहता तो 5 गुना। देखिए समझ लीजिए कैसे, वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर होती है, ये परिधि होती है, ठीक है ना, इनिशियल हमने मान लिया पहले परिधि आपकी है। अब 3 गुना करेंगे, यानी रेडियस का 3 गुना करेंगे, तो 2π/3r कर देंगे, तो ये कितना आएगा, 3 × 6 πr। अब आप ही बताइए, 2π r से 6 πr हुआ है, तो कितने गुना हुआ, 3 गुना हुआ है ना। तो जब भी परिधि के केस में सवाल बनेगा, जितने गुना कहेगा उतने गुना उसका आंसर हो जाता है, ठीक है, डायरेक्ट, इसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। वृत्त की त्रिज्या 5 गुनी करने पर उसकी परिधि तो कितने गुना होगी, 5 गुने होगी, 6 गुने कहेगा, 6 गुना, सिंपल था। आगे देखते हैं 16 नंबर, देखिए 16 नंबर जो सवाल है बहुत ही आसान है, आपने परसेंटेज में इस टाइप के पढ़े होंगे, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाती है, तो इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। देखिए इसको आपने पढ़ा होगा सक्सेसिव मेथड से, हमने परसेंटेज में पढ़ाया है, सक्सेसिव मेथड क्या होता है, ये वाला आपने पढ़ा होगा, x+y + xy/100, ये बताया हमने आपको। तो यहाँ पर लिखेंगे 50 + 50 + 50 × 100, है ना, दोनों में 50 50 की वृद्धि दिया है, सिंपल सवाल होते हैं इस टाइप के, और जब भी पेपर में आते हैं बहुत ही आसान से तरीके से लग जाते हैं, 125%, है ना, 125%, देख रहे हैं कितना सिंपल है, एक तरफ वृद्धि एक तरफ कमी। अगर कमी कहता मान लीजिए, है ना, मान लो अगर 10% की वृद्धि कह देता है, 5% कमी, तो 10 वाला प्लस में रखेंगे और कमी वाला माइनस में, हालांकि इसमें दोनों वृद्धि है। अब यहाँ पर 2 बार आप कहेंगे 50 50 क्यों लिखा गया है, क्योंकि देखिए वृत्त का क्षेत्रफल में क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ये तो कांस्टेंट होता है, तो रेडियस यहाँ पर 2 बार है, इसीलिए हमने इसको 2 बार लिखा है, 50 प्लस 50, ठीक है,
इस तरीके से आपको करना था। चलिए आगे देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर देखते हैं, लिखा हुआ है वर्गाकार रूप में मुड़ी हुई एक इस्पात की तार 121 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल घेरे से है। इस तार को वृत्ताकार रूप में मोड़े जाने पर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो यहाँ पर भी वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है, और वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हमें रेडियस का पता होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर जो 121 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल से घिरा हुआ है, एक तरीके से यहाँ पर वर्ग लगा दिया, वर्ग लगा दिया तो समझ जाइए कि ये हमारा, देखो बहुत लोग क्या सोचते हैं ना, चारों तरफ जो बाउंड्री होती है कोई चीज़, वो हमेशा परिधि होती है, परिमाप होता है, लेकिन यहाँ वर्ग लगा हुआ है तो वर्ग का मतलब आप समझिए एरिया दिया गया है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का रूप में है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल आपने पढ़ा होगा ए स्क्वायर होता है ना। तो यही ए स्क्वायर बराबर 121 दिया गया है, ए बराबर कितना आएगा, तो आप कहेंगे 11 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में था हाँ, तो 11 सेंटीमीटर, यानी एक तरीके से हमें वर्ग की भुजा पता चल गई है। ठीक है, वर्ग की भुजा पता चल गई है। अब प्रश्न में क्या पूछा गया है, प्रश्न में पूछा गया है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल भी निकालना जरूरी है। तो अब यहाँ पर आगे जो सवाल में लिखा था कि इस्पात की तार के मतलब चारों तरफ घिरा हुआ है, इस तार को वृत्ताकार रूप में मोड़ा जाना है। अब देखिए ये हमको मान लीजिए इस तरीके से, जैसे ये वर्ग है आपका, ठीक है ये वर्ग है और इसकी भुजा 11 11 है, ठीक है ना, 11 11 है, ये वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है। इसका जो शेप है आपको ऐसे बनाना है वृत्ताकार, है ना, वृत्ताकार में ही तो बनाना है। क्या लिखा है, वृत्ताकार रूप में मोड़े जाने पर, हाँ चलो ठीक है, तो वृत्ताकार रूप में क्या है, मोड़ना है, ये ऐसे मोड़ना है वृत्ताकार। जब इस शेप को वृत्ताकार मोड़ोगे तो अभी तो परिमाप इसका क्या था, अभी इसका परिमाप निकालेंगे, परिमाप तो 4a होता है, 4a होता है, तो इस हिसाब से तो आपका 44 हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, जब भी आपकी वर्ग की भुजा अगर 11 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप कितना आएगा, 4a यानी 44 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका जो परिमाप होगा, ठीक है ना, वो यहाँ पर भी उतना ही होगा, वृत्त में भी परिमाप आपका 44 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि शेप आपने क्या किया, चौकोर जो था आपने गोलाई में बना दिया, लेकिन यहाँ गोलाई में बनाने से इसकी जो परिधि होता है या परिमाप होता है, वृत्त की परिधि कही है या परिमाप होता है, तो जो वृत्त का परिमाप होता है वो होता है 2πr, है ना, लेकिन इसका जो परिमाप आया था ये इसी के बराबर ही रहेगा, यानी 44 के बराबर कर देंगे। अब आप समझ रहे हैं सवाल को किस तरीके से निकालना। देखो पहले वृत्त का क्षेत्रफल इन्होंने दिया, उससे हमने भुजा निकाला, भुजा से हमने निकाला परिमाप, वर्ग का परिमाप पता चल गया। अब वर्ग के ही शेप को हम वृत्ताकार शेप में अगर बना रहे हैं तो इसका परिमाप बराबर होगा, और वृत्त का वैसे तो परिमाप आपका 2πr होता है, परिमाप या परिधि, और यही बराबर 44। इस तरीके से देखो कि यहाँ से यहाँ पहुंचे, यहाँ से यहाँ पहुंचे, और ऐसा हमें इतना हमें क्यों करना पड़ा, क्योंकि हमें वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, और वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें रेडियस का पता होना बहुत ही जरूरी है। रेडियस नहीं होगा कैसे निकाल लेंगे। अब यहाँ पर देखो, अब हमारा सारा खेल खत्म हो गया, अब तो आपका सवाल लग जाएगा। तो ये 22 दूनी क्या होता है, 44 होता है, और ये तो कट ही गया, आर बराबर सी, कुल मिला के हमें रेडियस की जरूरत थी जो कि हमने निकाल लिया है 7 सेंटीमीटर। वृत्त का क्षेत्रफल पूछा गया है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर 22/7 रखेंगे, आर 7 × 7 सात सात कट गया, 154 है ना, 154 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए कहाँ लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है विकल्प नंबर सी आपका हो जाएगा। ठीक है चलो अगला सवाल देखते हैं। 18 नंबर लिखा हुआ है 70 मीटर व्यास के गोलाकार बाग के 2 चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा, समय पूछा गया है, और जबकि यह दूरी 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय की गई है। देखो यहाँ पर दूरी आपकी दी गई है और पूछा क्या गया है, समय, समय बराबर क्या होता है, आपने पढ़ा होगा समय बराबर आपका क्या होता है, समय बराबर आपका होता है दूरी बटे चार, है ना, दूरी बटे चाल। तो सबसे पहले हमें दूरी पता होना चाहिए, लेकिन चाल तो हमें पता है, लेकिन आंसर हमारे मिनट सेकंड में आ रहा है, इसका मतलब जो हमारी चाल दी गई है उस समय चाल कितनी दी गई है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई। इसको पहले आप बदलेंगे मीटर पर सेकंड में, 5/18 से गुणा कर लीजिएगा, ये मीटर पर सेकंड में आपका बदल जाता है, ये हमने कई बार आपको बताया, यानी 5/2 मीटर पर सेकेंड आपका आ गया, ठीक है ना, ये तो आपकी चाल आ गई। अब समस्या हमारे पास है दूरी निकालना, दूरी कैसे निकालेंगे। देखो यहाँ पर एक एक तरीके से वृत्ताकार व्यास बता रहा है, व्यास कितना है, व्यास आपका दिया गया 70, ये व्यास 70 है, तो त्रिज्या इसकी आधी होती है 35, यानी रेडियस हमको पता है, ठीक है ना, रेडियस हमको क्या है पता है। तो ये जो आपका लिखा हुआ था यहाँ पर 70 मीटर व्यास वाले चक्कर लगाना, अच्छा चक्कर, एक चक्कर हमने आपको बताया था, एक चक्कर क्या होता है, परिधि होती है,
एक चक्कर क्या होती है, परिधि होती है 2 पाई आर, 2 गुणे पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू रखेंगे 35, 7 बना 35 होता है, 5 दूनी 10 यानी 200, 220 क्या मीटर था कि सेंटीमीटर, मीटर था। चलिए तो 220 मीटर हमारा ये क्या आ गया, एक चक्कर आ गया। अब हम आपसे कहेंगे 2 चक्कर, तो 2 चक्कर की दूरी कितनी होगी, 2 से गुणा कर देंगे तो आप कहेंगे 440 हो गया। 3 चक्कर कहेगा 3, यानी एक चक्कर जो वृत्त का होता है वो परिधि के बराबर दूरी तय करता है, 2 पाई आर, ये हमने कई बार बताया है। तो 2 पाई आर से हमने एक चक्कर की दूरी निकाल लिया। अब इसके बाद हमें 2 चक्कर के पूछेगा, 2 से गुणा कर देंगे, कोई दिक्कत की बात है नहीं। यानी कुल दूरी हमारी 440 है जो कि रियल है, और यहाँ पर हमें समय चाल निकाला था 5 और 2 ऊपर पहुंच जाएगा, बस कैलकुलेशन है। 5 8 क्या होता है 40, और 5 8 40, 2 8 16, 176 है ना, 176 समय, 176 सेकेंड आएगा। क्या आएगा दोस्तों, सेकेंड आएगा। तो इसको यानी 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, तो 120 तो आप अलग कर लीजिए, तो 120 यानी 2 मिनट आपके हो गए, 2 मिनट आपके हो गए, और 120 इसमें घटा लेंगे ना तो कितना आएगा 6, और यानी 56 सेकंड, 56 सेकंड, यानी यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा आपका, 2 मिनट 56 सेकंड, जो कि विकल्प नंबर आपका ए नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ पर आप सभी लोग समझ गए होंगे। इसके आगे के सवाल जो है अगले वीडियो पर कराएंगे। और देखिए ये जो किताब है राजस्व लेखपाल, ये ओनली सभी के पास होनी भी चाहिए क्योंकि अच्छी बुक है, और अगर आपके पास नहीं है तो भी हम क्वेश्चन यहाँ बाद में ऐड कर देते हैं, तो उसको आप अच्छे समझिए, लगाइए। भाई किसी सवाल में डाउट होता है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, अगले वीडियो पर हम बता देंगे।